कितना था? 48,000 से भी। तुम कितना भेज दी उसको? 35,000। ये देखो 1,250, 3,500, 5,800, 12,500, 12,500। भाई मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मनोज देव भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई सारे चीजों को साइड में करके एक भाईचारे के नाते, एक ह्यूमैनिटी के नाते किसी तरीके से हेल्प कर दो भाई, सारी चीजों को साइड में करके, क्योंकि भाई 35,000 का स्कैम हुआ है, मेरे साथ हुआ है, चाहे मेरे फैन के साथ हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ है, लेकिन भाई अगर मेरी वजह से हो रहा है किसी के साथ स्कैम तो भाई मैं खड़ा होऊंगा, मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा भाई। तो मैं पूरी कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या है। कल मैंने एक ट्रेडर को प्रमोट किया, काव्या राय ट्रेडर करके, जो कि स्कैमर निकली एंड उसने मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ ऑलमोस्ट 35,000 का स्कैम कर लिया एंड वो भाई मेरे घर से 120 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो भी बिहार के ही है, मुजफ्फरपुर जिले से। तो वो हमारे घर आते हैं, रोते रोते आते हैं, किसी तरीके से पता नहीं एड्रेस निकाल लिए लेकिन आते हैं एंड मैं भी मिलने आता हूँ। एंड स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता था कि चीजें क्या है, लेकिन जिस हिसाब से वो रोने लगे कि जैद भैया देखिए ना मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मैं शॉक्ड हो गया कि भाई ये क्या हो गया। कितना था? 48,000 से भी। और तुम कितना भेज दी उसको? 35,000। ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास रुपए भेज दिए थे उस स्कैमर, उस ट्रेडर के पास एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब इसको कैसे हेल्प करूं। देखो मुझे पता है नाउ द टाइम बहुत लोग प्रमोशन करते हैं, हमारे मनोज भाई भी करते हैं, टेक चैंपियन सपोर्ट करते हैं, जुनू की टेक सब कोई करते हैं, लेकिन मनोज भाई ऐसे एक बंदे हैं जो कि भाई कभी भी फेक प्रमोशन नहीं किए हैं एंड उन्हीं को देख के हम भी इंस्पिरेशन लेते हैं एंड हम भी कभी नहीं सोचते हैं कि भाई मेरी वजह से किसी का नुकसान हो जाए एंड मैंने आज तक कभी भी फेक प्रमोशन नहीं किया है। मैंने इस ट्रेडर को प्रमोशन करने से पहले मैंने इनको पैसे भेजे हैं 1,000 कि मेरे को प्रॉफिट निकाल के दो, तो इन्होंने ना मुझे 2-4 घंटे में 3,200 रुपए भेज दिए। तो मेरे को लगा वाओ यार ये तो सही है भाई, तब तो ठीक है कर देते हैं प्रमोशन। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ जेन्युइन है, रियल है, तो मैंने प्रमोशन कर दिए एंड प्रमोशन करने के बाद आज मुझे पता चलता है कि ये तो कितनी बड़ी स्कैमर निकली। ट्रेडर के बाद पहले 1,250 रुपया भेजती है एंड उसके बाद वो बोलती है कि कितना मिलेगा, उसके बाद बोलते हैं 4,500 रुपया मिलेगा प्रॉफिट, 4,500 प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद भाई पैसा कर देते हैं, उसके बाद कितना करते हो? फिर बोलते हैं कि 3,500 डालो फिर आपके अकाउंट में चला जाएगा, फिर 3,500 भी डाल देते हैं एंड ऐसे ऐसे करके भाई ने 35,000 रुपया मतलब ऑलमोस्ट डाल दिए हैं। इस चीज को लेके भाई हमारे पास आए एंड बोल रहे हैं कि घर नहीं जाएंगे एंड अभी रो रो के इनका पूरा बुरा हाल था। अभी तो फास्टिंग चल रही है, रोजा चल रहा है, तो हम एक सपोर्ट, एक भाईचारे के नाते, अपनी जो जनता है जो देख रही है, मुझे पता है कि मेरे पास मिलियंस वाले फॉलोवर नहीं है, मेरे पास मिलियंस ऑफ लोग नहीं है, लेकिन अगर 10,000 लोग भी है ना, अगर 10,000 लोग भी है, 5,000 लोग भी है ना, तो थोड़े बहुत भी करके मैं क्यूआर कोड लगा देता हूँ, थोड़े बहुत भी करके अगर तुम पे कर सकते हो तो प्लीज़ भाई के लिए पे करो। एंड हाँ, ये जितने भी लोग आज के टाइम में प्रमोशन कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो गया, चाहे फेसबुक के थ्रू हो गया, कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि एक फुट्टी कौरी इन्वेस्ट मत करना, ठीक है? किसी के भी बोलने से, चाहे वो मनोज देव हो गया, हमारे टेक्निकल सागर, कुछ भी हो गया भाई, कोई भी हो गया, एक रुपया इन्वेस्ट नहीं करना। इवन जैद भैया भी प्रमोशन काहे ना करे, भाई के साथ तो हो गया, तुम लाइव देख सकते हो कि रो रो के बुरा हाल है। इनकी मम्मी का अकाउंट था, ठीक है, इनकी मम्मी के अकाउंट से ही भाई पैसा भेज दिए। बोल रहे हैं कि पापा जी क्या करते हैं? पापा जी सब्जी बेचते हैं। पापा जी सब्जी बेचते हैं एंड भाई इनके आपके पास कैसे आया मम्मी का अकाउंट? गांव में रहते थे, हम फोन पे चलाते थे, जो पैसा जरूरत पड़ता था वो निकाल लेते थे गाँव में, इसीलिए मम्मी को दूर नहीं जाना पड़ता था। भाई तुम टेंशन मत लो, तुम घर जाओ, ठीक है? एंड मेरे को पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉप है भाई, किसी मतलब समझ लो कितने अमाउंट में, कितने पैसे थे? 48,000 किसी सब्जी वाले, सब्जी इनके पापा बेचते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा होती है भाई। एक मिडिल क्लास के लिए ना 10,000 भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जिस हिसाब से ये पैसा भेजे हैं, एक बार भेजे तो वहाँ से बोला है कि और भेजो तो जाएगा, और भेजो तो जाएगा, और भेजो तो जाएगा। भेजते भेजते भाई ने ये देख लो ट्रांजेक्शन कितने किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट चला गया है 35,000 रुपये के आसपास में स्कैम हो गया है। बाकी तुम टेंशन मत लो भाई, हो जाएगा सब ठीक।
अपनी जो जनता है, देखो जितना भी आएगा ना, मैं तुम्हें पर्सनली, मैं तुम्हें अगर होगा तो मैं तुम्हें अकाउंट में डाल दूंगा या फिर तुम्हें बुला के मैं दे दूंगा, एंड लाइव प्रूफ दूंगा, लाइव प्रूफ, एक एक रुपया जो भी आएगा मैं भाई को पर्सनली गिन के दूंगा। एंड रमजान का टाइम चल रहा है, तुमको तो पता ही होगा कि चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा टफ हो जाती है। एंड मैंने बहुत सारे सदके एंड फितरे निकालने का भी सोचा है, तो उस टाइम तक मेरे फेसबुक का पैसा आता है तो मैं भाई को पर्सनली उसमें से भी कुछ हेल्प करूंगा। मेरे को बस थोड़ी सी हेल्प कर दो ताकि मैं एक चैरिटी इकट्ठा कर रहा हूँ, एक डोनेशन इकट्ठा कर रहा हूँ इस भाई के लिए ताकि इनकी हेल्प हो सके। भाई इसके माँ बाप बताए सब्जी बेचते हैं, भाई इसके पापा, भाई लौंडे पे क्या बीत रही होगी भाई, भाई लौंडा कहाँ पर आ था मेरे पास आ रहा था तो भाई मैं, मेरे को नहीं पता कि मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई 1,000 रुपये भेज दो, 100 रुपये भेज दो, जितना हो सके ना भाई, अगर कोई 1,000 रुपये करने वाले वो भी कर दो, कोई 10 रुपये करने वाले वो भी कर दो, कोई 50-100 करने वाले वो भी कर दो, लेकिन भाई हेल्प करो, तुम्हारे जैद भैया की ज़रूरत है। एंड इस भाई को मैं जल्द से जल्द मैं करवाता हूँ। एंड मेरे फेसबुक से पैसे आ रहे हैं, तुमको तो पता ही होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट होने के बाद मेरे उसके साथ साथ मेरे $400 ऑलमोस्ट 35-40 हज़ार के पास पास रुपए थे, वो भी डूब गए, चैनल भी डूब गया, एंड मेरे पास एक भी पैसों का सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे फेसबुक से 22 तारीख को कुछ पैसे आने वाले हैं, लाइक 8-10 हज़ार के आसपास में, तो मैं इन भाई को हेल्प करूंगा। बाकी आप लोग थोड़ा हेल्प कर दो भाई, इस स्कैनर को स्कैन करके जितना हो सके कर दो भाई। एंड जो लोग पैसे नहीं भेज सकते, जो लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं, उनको मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, चाहे इंस्टाग्राम पे शेयर करो, चाहे अपने घर वालों, चाहे जो भी लोग हैं जो कि लगते हैं कि हाँ ये हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो भाई उनको शेयर कर देना। वो भी पता है अभी मेरा यूट्यूब चैनल चला गया, ठीक है, एंड तुम्हारे पास पता नहीं पैसे है कि नहीं है, तुम घर जाओ एंड जितनी भी जल्दी हो सके, एक दिन हुए, दो दिन हुए, जितने भी पैसे होंगे मैं तुम्हें भेज दूंगा, मैं तुम्हें कॉल करके या बुला लूंगा, काहे के लिए भाई फोन पे किस लिए, ठीक है। देन वही चीज है ना, अभी क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं, ये कुछ पैसे रखो एंड टेंशन मत लो, ठीक है, हम करवा देते हैं, जितना भी हो सके, उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा करवा देंगे, लेकिन जितना भी होगा। एंड पर्सनली मेरे फेसबुक के $100 के आसपास में कुछ आने वाला है, तो हम तो बहुत कुछ सोचे थे, तो हम उसमें से भी अपना पर्सनली अपने तरफ से जो भी होगा हम करवा देंगे, फिलहाल तुम टेंशन मत लो। एंड आज के बाद कभी भी जितने भी भाई देख रहे हैं, कृपया करके मत करना भाई, एक रुपया मत करना, समझ रहे हो, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज के टाइम में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हाँ थोड़े बहुत इधर से पैसे मिल जाए, थोड़े बहुत मतलब 10 रुपया इन्वेस्ट करके 100 रुपया कमाने के पीछे पड़े रहते हैं, तो शॉर्टकट कभी भी मत लो भाई, मत लो शॉर्टकट, कहीं भी नहीं जाने वाला, तुम एट द एंड में वो पैसे कमा भी लोगे ना, पैसे मिल भी जाएंगे तो भाई पता ही नहीं चलेगा वो कैसे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो हराम की कमाई से अच्छा मेहनत करो एंड मेहनत की कमाई पे भरोसा रखो। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा पैसा थोड़ी टेंशन मत लो, ठीक है, आराम से तुम जाओ घर एंड बाकी, अरे हो गया हो गया हो गया, अरे हो जाएगा भाई 35,000, ठीक है। पता है एक होता है पैसा घूम जाता है उसका पेन अलग होता है, एंड एक पैसा फ्रॉड होता है उसका पेन अलग ही होता है भाई, अगर तुम्हारे पैकेट से गिर जाएगा तो वो तुम थोड़ा देर के लिए उतनी तकलीफें नहीं होगी कि अरे कैसे गिर गया क्या हो गया, लेकिन फ्रॉड होता है ना तो भाई टूट जाता है इंसान, टेंशन मत लो, ठीक है, जाओ आराम से जाओ, बाकी फोन करना पहुंच के।